ओम शांति। स्वयं भगवान ने आकर हमें पवित्रता का महामंत्र दिया है। हमारे ओरिजिनल प्योर संस्कारों को उसने इमर्ज कर दिया है। आते ही प्योरिटी का वरदान दिया। बच्चे, तुम तो देव कुल की पवित्र आत्माएं हो। तुम्हारा तो मूल स्वरूप ही प्योरिटी है। अब उसे जगाओ। तुमने विकारों की चादरें डालकर अपनी प्योरिटी को छुपा दिया है। अब उसे बाहर निकालो। तुम तो पवित्रता के सूर्य हो। तुम्हारी पवित्रता के प्रकाश से तो जग का अंधकार दूर हो जाएगा। पर बहुत सुंदर बात कही, जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनते हैं, प्रकृति उनके हर संकल्प को पूर्ण करने में तत्पर हो जाती है। कितनी बड़ी चीज है, प्रकृति से हमें सर्वस्व मिलेगा। जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, हम सब जानते हैं, ध्यान से देख लीजिए, सतयुग में जब हम संपूर्ण पवित्र हैं, प्रकृति हमें सर्वस्व प्रदान कर रही है। कितना सुंदर रहस्य है। और जब आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं, तो प्रकृति उन्हें कुछ भी नहीं देती। प्रकृति से उन्हें खींचना पड़ता है। जैसे आज प्रकृति से अन्न, फल, जल सब खींचा जा रहा है ना, दोहन हो रहा है, प्रकृति को खाली किया जा रहा है। तो आइए हम पुनः संपूर्ण पवित्रता की राह पर चलें। ये प्योरिटी ही हमारी रॉयल्टी है। इसी से हमारे चेहरों पर राजाई संस्कार आते हैं, डिविनिटी आती है, दिव्यता आती है, और प्योरिटी का प्रकाश सबको महसूस होता है। आगे चलकर वो समय भी आएगा कि संपूर्ण पवित्र आत्माएं मस्तक के मध्य में चमका करेंगी, जैसे हीरा चमकता हो, और अनेक लोगों को उनके दर्शन हुआ करेंगे। ये पवित्रता ही हमारी सेवाओं का भी आधार है। किसी भी निमित्त आत्मा की प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, देव कुल की आत्माएं खींच खींच कर उनके पास आएंगी। और प्योरिटी को हमें केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं समझ लेना चाहिए। बाबा के बहुत सारे बच्चे ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, उनसे कोई अपवित्र बात भी नहीं कर सकता। ये भी अपने में बहुत सुंदर बात है। गर्व है इस महान यज्ञ के निर्माता को कि उसने इतनी पवित्र आत्माओं का निर्माण किया है। लेकिन प्योरिटी की चमक, प्योरिटी की दिव्यता, प्योरिटी का बल तब आता है जब हम व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त हो जाएं, फिर साधारण संकल्पों से भी मुक्त हो जाएं और स्वमान के स्मृति स्वरूप के श्रेष्ठ संकल्पों में रहने लगे। तो आइए कुछ महान आत्माएं संपूर्ण पवित्र बने। 1008 तो बने, तो इससे संसार में बाबा की जयकार हो जाएगी। हमारे चमकते हुए दमकते हुए चेहरे बिल्कुल अलौकिक दिखाई देंगे। संसार उनकी ओर पूर्णतया आकर्षित हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे। मैं बहुत रॉयल, राजाई कुल की रॉयल आत्मा, संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक भी हूँ। और हम अपने को संपूर्ण पवित्र बनाने के साथ साथ इस प्रकृति को भी पवित्र वाइब्रेशंस देते चलेंगे। बाबा परम धाम में पवित्रता के सागर उनके स्वरूप को निहारें, उनसे चारों ओर पवित्रता की सफेद रश्मियां फैल रही हैं। वो नीचे मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैलकर प्रकृति को पावन कर रही हैं।
ये बहुत सुंदर अभ्यास जो प्रकृति को पवित्रता की शक्ति देंगे हमें आज करना है, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। प्रकृति के हम एहसान मंद हैं क्योंकि माँ बनकर उसने सदा हमारी पालना की है, और जिसे भी हम देखें, जो भी हमारे सामने आए, उसे भी पवित्र वाइब्रेशंस दें, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प अपने मन में सारा दिन रखेंगे। ओम शांति।